नमस्कार, मैं हूं असोजो डॉक्टर रवि गुप्ता और अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या दुनिया आर्थिक मंदी से गुजरने वाली है? इस महा एपिसोड को लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं। जी हां दर्शकों, देखिए, बहुत सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन क्या वाकई में दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाला है? यह एक विशेष वीडियो मैंने इस कारण से बनाया क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि यह किस ग्रहों के कारण, किस ग्रहों की युति के कारण, या फिर ग्रहों में कोई एक ऐसा परिवर्तन है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका वर्णन तो लोगों की जन्म पत्रिका देख करके हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन गोचर जगत में एक ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहला मैं आपको दो तीन बात बताना चाहता हूं। गोचर में ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि मंगल, शनि और बृहस्पति तीनों साथ में विराजमान है, और मंगल और शनि और बृहस्पति का एक साथ मिलन होना यह शुभ नहीं है। इसका बेसिक रीजन यह है कि बृहस्पति नीच का है, और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बृहस्पति नीच का कभी भी शुभ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी गोचर में काल सर्प योग की उत्पत्ति हुई है। जी हां दर्शकों, राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह विराजमान हैं। अब यह एक कैसा संयोग होने वाला है, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। जैसे कि देखिए, 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक बुध नीच के हो जाएंगे। बुध स्वास्थ्य का कारक होता है, बुध धन का कारक होता है, बुध व्यापार का कारक होता है, बुध फाइनेंस से रिलेटेड कारक होते हैं। जितने भी इकोनॉमिक स्थिति को अगर कोई ग्रह कंट्रोल करता है तो वह बुध करता है। बृहस्पति जो होता है यह सीधा सीधी धन के कारक होते हैं, और धन तो अलग बात है, धन आने के लिए इंसान के जीवन में बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है। और यहां पर स्पष्ट तौर पर है कि 30 मार्च से लेकर के 30 जून तक बृहस्पति जो है वह जो है अशुभ अवस्था में रहेंगे। 14 मई तक तो है पूर्णता व नीच का फल देंगे, लेकिन गुरु अतिचारिक अवस्था में होने के कारण ऐसे तो बृहस्पति कोई भी राशि में 13 माह गोचर करता है, लेकिन अतिचारी होने के कारण यानी वक्री स्थिति में आने के कारण फिर से वह जो है धनु राशि में वापस लौट जाता है। यानी 14 मई के बाद तो बृहस्पति लौट जाएगा, परंतु 30 मार्च से लेकर के 14 मई के बीच में मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति आखिर है क्या। यह साक्षात ब्रह्म है। प्रकृति में जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनुष्य के कर्म में जो पिछले जन्म का कर्म होता है उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनुष्य के जीवन में जो उसके मन पे कंट्रोल होता है, उसके वाणी पे कंट्रोल होता है, जिसके शरीर हेल्दी होते हैं समझ लीजिए कि उसकी बृहस्पति अच्छे हैं। जिन लोगों का लीवर की प्रॉब्लम चल रहे हैं समझिए कि उनकी बृहस्पति अच्छे नहीं है। जो शुगर से रिलेटेड परेशान है समझिए कि उनकी बृहस्पति अच्छे नहीं है। लेकिन जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा है वो थुलथुल शरीर वाले होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, और जीवन में उनके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। जब गोचर में बृहस्पति उच्च का होता है तो दुनिया जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कभी नहीं गुजरता है। जब गोचर में बृहस्पति का पोजीशन अच्छा रहता है तो प्राकृतिक संतुलन बहुत बढ़िया बना रहता है, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं यह गुरुत्वाकर्षण के कारक होते हैं। बृहस्पति जहां बैठते हैं उसको बहुत बढ़िया फल नहीं देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं उसको बहुत बढ़िया फल देते हैं। लेकिन अभी गोचर के जगत में बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना तो कहीं यह खुद नीच की अवस्था में है। जब कोई नीच का है तो आपको शुभ फल कैसे देगा? बृहस्पति धन के कारक है, बृहस्पति विद्या के कारक है, बृहस्पति धर्म के कारक है, बृहस्पति पवित्र स्थान के कारक है। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति जन्म पत्रिका में कैसे भी हो अगर उसकी दशा चलती है तो मनुष्य के ऊपर जो है कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगा तो वह ग्रह उसके ऊपर निश्चित तौर पर असर डालता है।
आप खुद समझ करके चलिए कि पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी नहीं हो, और सबसे बड़ी बात मैं यह आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि आकाश तत्व के साथ वायु तत्व के भी कारक होते हैं, यानी आकाश में कोई परिवर्तन होता है, वायु में कोई परिवर्तन होता है तो उसके भी कारक बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति की स्थिति का खराब होना यह गोचर जगत में बहुत ही बड़ा अभिशाप है। बीमारियां फैलती हैं, लोगों के पेशेंट जाते हैं, लोग मानसिक तनाव में आते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, इकोनॉमिक स्थिति खराब होती है, पैसे की स्थिति खराब होती है, लोगों के अंदर पेशेंस की स्थिति सामान्य से खराब हो जाती है। कोरोना वायरस भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। क्या वाकई में ईश्वर का लिया गया एक बदला है? हो सकता है कोरोना वायरस, क्योंकि यह खुद ब्रह्म है, और जब ब्रह्म की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर परेशानी होगी। यानी यह तो स्पष्ट तौर पर सत्यापित होने वाला है कि सभी ग्रह काल सर्प योग के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और जब सभी ग्रह काल सर्प योग के अंतर्गत बैठ जाते हैं तो कोई भी ग्रह का प्रभाव पूर्णता नहीं मिलता है, और जब किसी ग्रह का प्रभाव पूर्णता नहीं मिलता है तो वह जो है पावरलेस हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, कर्म में उनकी कमी आ जाती है, बल में उनकी कमी आ जाती है। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कहीं ना तो कहीं जून तक वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्थिति और धन की स्थिति बहुत ही बद से बदतर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं ये बुजुर्गों के कारक होते हैं, और किसी भी देश के नॉलेजेबल पर्सन अगर उनकी स्थिति खराब होती है, परेशानियां होती हैं, तो परेशानी हो सकता है। हो सकता है कोरोना वायरस एक बहाना हो, लेकिन यह कहीं ना तो कहीं हमारा देश ही नहीं, यह पूरा वर्ल्ड जो है आर्थिक तंगी की ओर जाएगा। अब यहां पे स्पष्ट तौर पे यह भी समझना है कि जब तक यह काल सर्प योग भंग नहीं होगा तब तक सभी ग्रह फुल एक्टिव नहीं होंगे, सभी ग्रहों का प्रभाव पूर्णता जो है सृष्टि पे नहीं पड़ेगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह काल सर्प योग का प्रभाव जो है अगस्त से दूर होना चालू हो जाएगा, जब बुध जो 1 अगस्त से बुध जो है यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और राहु मिथुन राशि में इनके आगे में बढ़ जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आना चालू हो जाएगा, और शुक्र 1 सितंबर से जो है यह भी जो है कर्क राशि को पार करेंगे, मिथुन राशि को पार करके कर्क राशि की ओर प्रवेश करेंगे, तो फिर दुनिया की स्थिति में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं जून तक तो हालात बहुत खराब है, जून से अगस्त के बीच में इसे संभलने में समय लग जाएगा, परंतु अगस्त से पहले वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। यानी कहीं ना तो कहीं यह दुनिया बहुत जबरदस्त आर्थिक तंगी से गुजरने वाला है, यह याद रखिएगा। और इसमें कष्ट सिर्फ मनुष्य को नहीं है, इसमें कष्ट जो है जानवरों को भी है, पशुओं को भी है, इसमें अनाज की उत्पत्ति भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, और वायु तत्व और आकाश तत्व रहने के कारण जो है वायु परिवर्तन भी इस महीने माफ करेंगे ये साल अगस्त तक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अतः आप लोगों से यही अनुरोध है कि ऐसे स्थिति में व्यर्थ की चीजों पर पैसा ना खर्च करें, संयम रखें, बहुत आवश्यक चीजें ही परचेज करें, और साथ में जो है आर्थिक स्थिति को सुधार रखने के लिए अपने मन पे, अपने वाणी पे और अपने बुद्धि पे नियंत्रण रखें। यह स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि अगस्त के बाद हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जून से इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी होनी चालू हो जाएगी। दर्शकों, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा, पहले से संपर्क कर सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत, आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, ज्योतिष डॉक्टर रवि गुप्ता। दीजिए मुझे इजाजत दर्शकों, नमस्कार।